वेलकम टू साइंस tissue fluid. वी इन येलो कलर का फ्लूड होता है जो कि टिश्यूज में बनता है एंड इसको हम पुलिस मैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं ये जो लिम्फ है प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि लिम्फ के केस में प्रोटीन का कंटेंट काफी कम होता है रीजन मींग

और आर्टरीज के टर्मिनल एंड्स पर आर्टरीज एंड वेन्स के टर्मिनल एंड पर हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज होती हैं तो दीज आर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ओके तो ये जो प्लाज्मा है ये ब्लड में से क्रॉस द कैपिलरी वॉल ये ब्लड में से कैपिलरी की वॉल्स में पास ऑन होएगा और जब ये कैपिलरी वॉल्स में आ जाएगा तो इसका नेम चेंज हो जाएगा इसको हम टिश्यू फ्लूड बोलेंगे अब ब्लड में ब्लड सेल्स भी हैं प्लाज्मा के साथ साथ तो ये जो ब्लड सेल्स हैं वो इजीली के पिलरी की वॉल से स्क्वीज आउट होकर टिश्यूज के अंदर चले जाएंगे जब ये टिश्यूज में चले जाएंगे तो ये टिश्यू फ्लूड बनाना शुरू कर देंगे और इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि डब्ल्यू ही लिम्फ में प्रेजेंट है जो ये लिम्फेटिक्स uh, वेसल्स बनती हैं हम आगे अभी पढ़ेंगे उसमें सिर्फ डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे आरबीसी नहीं होंगे तो अब ये प्लाज्मा जो है कैपिलरी में इन इन कैपिलरीज रेड वाली कैपिलरीज से जो प्लाज्मा है वो ट्रांसफर होकर टिश्यूज में आ गया ये आपको येलो आ, और रेड कलर के न्यूक्लियस के साथ टिश्यूज दिख रहे हैं पीछे ब्लड होकर थोड़े से तो ये टिश्यूज हैं तो इन कैपिलरी पिलर, से टिश्यूज़ में चला जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे टिश्यू फ्लूड बोलेंगे उस प्लाज्मा को टिश्यू फ्लूड बोलेंगे और इसमें से कुछ जो टिश्यू फ्लूड है वो वापस से केपिलरीज में आ जाएगा टिश्यू फ्लूड कुछ वापस से केपिलरीज में आ जाएगा और कुछ जो टिश्यू फ्लूड है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा इधर और जो वो कलेक्टेड टिश्यू फ्लूड होगा वो काफी टाइनी थिन में कलेक्ट होगा जिनको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स और ये लिम्फ वेसल्स का ऐसा ही एक सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा जो कि ग्रीन कलर से आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है और उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम और इस लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूड सर्कुलेट करता है उसको हम बोलेंगे लिम्फ लिंफ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है सो so आपको इस डायग्राम से बहुत इजीली पता चल जाएगा कि जो लिम्फ है वो कैसे बनता है यहाँ पे मेंशन है कि ब्लड जो है उसमें से प्लाज्मा इंटरस्टिशल फ्लूड बना देगा और वो जब कलेक्ट हो जाएगा तो वो लिम्फ बना देगा सो इट इज क्वाइट क्लियर कि लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है अब हम देखते हैं कि जो लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम है वो कैसे वर्कआउट करता है ये जो ग्रीन कलर की कैपिलरीज जिसमें लिम्फ स्टोर्ड है अब ये जो लिम्फ फॉर्म हुआ लिम्फ तो यहाँ पे फॉर्म हुआ ये जो ग्रीन कलर का मेंशन है यहाँ पे कैपिलरीज के, के बीच में इधर फॉर्म हुआ तो ये क्या करेगा एक नेटवर्क बना देगा ये जो कैपिलरीज है ये मिलकर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देंगी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर और ये लार्ज ट्यूब्स होंगी एज कम्पेयर टू दिस वन ये लार्ज है तो इनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे और इनमें भी सेमिल्यूनर वेल्व होता है ये सेमिल्यूनर वेल्व उस लिम्फ के यूनि डायरेक्शनल फ्लो के लिए होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स में एक ही डायरेक्शन में लिम्फ का फ्लो हो आराम से और ये जो लिम्फ है ये इजीली पास होगा लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में और किसके थ्रू होगा थ्रू वेन्स होगा ब्लड में आप uh, बोल सकते हो वो होते हैं nodes, और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये स्वेलिंग्स होती हैं जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के इंटरवल्स uh, पे अक्कर होती हैं ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना ये फर्दर लार्ज ट्रिब्यूल्स बन जाएंगी आगे जाकर और इनके इंटरवल um, पे स्वेलिंग्स प्रेजेंट होंगी सम सम व्हाट लाइक दिस ये समझ लो एक लिम्फेटिक वेसल है और यहाँ पे ऐसे एक स्वेलिंग हो गई एंड फर्दर कुछ इंटरवल पे ऐसे स्वेलिंग हो गई सो दीज आर लिम्फ नोड्स ऐसे लिम्फ नोड्स होंगे एंड दे आर जनरली प्रेजेंट नियर द नेक रीजन अंडर आर्म्स रीजन वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं अब ये देखो कि लिम्फ का फंक्शन क्या है ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है इंटेस्टाइन से और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये का सर्कुलेशन करवाता है टिश्यूज फर्दर इसका फंक्शन और क्या होगा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स आल्सो इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ द फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू द ब्लड जो भी एक्सेस फ्लूड होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में बाहर सेल्स के बाहर वाली स्पेसेस में जो भी एक्सेस ex, फ्लुइड होगा उसको ये ब्लड में ड्रेन आउट कर देता है सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग